श्री कृष्णा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बाल गोपाल के लिए एक पीकॉक वाली ड्रेस बनाना सिखाने वाली हूँ। बहुत ही प्रिटी ड्रेस है और बहुत ही इजी बनने वाली है। आप सबके पास भी अगर इस तरह के प्रिटी से पीकॉक वाले स्टिकर्स हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये वॉशेबल है तो हम इसे कान्हा जी की ड्रेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जिस तरह आगे ड्रेसेस बनाती हूँ वैसे ही हमने पेपर बुकरम के ऊपर येलो कलर का कपड़ा पेस्ट करके रखा है। आप जो कलर का कपड़ा यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और जिस भी साइज़ की ड्रेस बनाना चाहते हैं उस अकॉर्डिंगली आपको ये राउंड जो है वो कट करना है। यहाँ मैंने 3 नंबर के बाल गोपाल के लिए बना रही हूँ। तो इस तरह के एक बर्तन का मैंने साइज़ लिया है, छोटी सी कटोरी का साइज़ लिया है। 3 नंबर के बाल गोपाल के लिए इनफ है। और इसकी चोली बनाने के लिए मैं इस तरह के 2 कलर के रिबन यूज़ करने वाली हूँ। चोली हम इन रिबन के साथ इन दोनों को इस तरह से पेस्ट करते हुए डबल कलर की बनाएंगे। सबसे पहले तो जहाँ हमें ये चोली अटैच करनी है उसके लिए हमने एक छोटा सा राउंड कट देना है। यहाँ मैं अंदाजे से ही बना रही हूँ, कट स्लिप चोली बनती है तो ये इसी तरह से आ जाएगी। आप चाहें तो कॉटन के कपड़े के साथ भी ड्रेस बना सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है तो कान्हा जी के लिए काफ़ी अच्छी रहती है इस तरह की ड्रेसेस। हमने ये जो कट किया है राउंड, इसके साइड से हमने इस साइड से और एक ओपनिंग पॉइंट कट करना है। राउंड कट करने के बाद जो हमने चोली बनानी है इसके लिए हम इस तरह से रिबन कट करने वाले हैं। तो हमने इस तरह से रिबन लगाना है, ये देखिए। तो हम अंदाजे से ले सकते हैं, ये वैसे 4 इंच हम टोटल ले रहे हैं। अगर आप थोड़ा कम रखना चाहते हैं 3 नंबर के बाल गोपाल के लिए तो 3.5 इंच ले लीजिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप कम लेंगे तो उन्हें साइज नहीं आता है। इस तरह हमने इसको कट कर दिया है, ये एक साइड की स्ट्रिप हो गई है। अब इसी के साथ की हमने सेम साइज की दूसरी स्ट्रिप बनानी है, तो सेम साइज की कट करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से एक स्ट्रिप पेस्ट कर ली है। अब दूसरी भी हम यहाँ ग्लू गन के यूज से पेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको फैब्रिक ग्लू यूज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी 2 स्ट्रिप्स रेडी हो चुकी हैं। आपको जौन सा कलर सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ लेके आना है आप वो रख सकते हैं। अगर इस तरह से लेके आना चाहते हैं तो इस तरह से भी रख सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ चोली ही अटैच करनी है, तो इस तरह से हम राउंड करते हैं इसकी चोली अटैच करेंगे। मैंने आगे भी ये वाली चोली लगाना सिखाया है अपनी काफ़ी वीडियोस में। इस तरह से लगाएंगे, इसी तरह से हमने दूसरी साइड की भी पेस्ट कर देनी है। अब इसकी हमने चोली बना ली है, एक साइड पे हम पीकॉक लगाएंगे, एक साइड पे हमने इस तरह की शेप की पत्तियाँ बनानी है। पेस्ट करते हुए इसे कट करते जाएंगे और ये हम यहाँ पे लगाएंगे कॉर्नर पे तरह से। इसी तरह से हमने एक ये कलर की और एक डार्क ग्रीन कलर की लगाते हुए हाफ तक राउंड जो है कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने हाफ राउंड कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे बीड्स हैं हमने वो लगाने हैं राउंड में। इस तरह से इसका हाफ राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस साइड पे हमने पीकॉक लगाना है। ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरह के पीकॉक के स्टिकर्स लिए हैं, काफी प्रिटी हैं। देखिए इसमें स्पार्कल भी शाइन कर रही है, तो हम ये वाला 2nd नंबर वाला पीकॉक ले रहे हैं। निकाला है हमने, ये देखिए यहाँ पीकॉक के नीचे की तरफ स्पंज है, तो इसी स्पंज के ऊपर हम ग्लू लगा रहे हैं। अच्छे से ग्लू लगा के इसके बाद हम इस तरह से इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर तिरछा। ये देखिए हमने जो लीव्स बनाई है इसके ऊपर हम स्पार्कल के साथ डॉट्स लगा रहे हैं ताकि गोल्डन लुक आ जाए। ये
सारी लीव्स के ऊपर मैं लगाऊंगी इसी तरह से। ये देखिए हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो चुकी है। जो बाकी की ऊपर की स्पेस थी वहां पर हमने इस तरह के स्टोन्स लगाए हैं। आपको ये ड्रेस कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। होप आप सबको आइडिया अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।